ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਾਸਮ ਛੱਡ ਨਾ ਗਾ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇ ਕਾਸਮ ਤੂੰ ਬਾਚੇ ਘੋੜੀ ਵੇਖੀ 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 ਇਹ ਭਾਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਘੋੜੀ ਅੱਜ ਸੂ ਜਾਸੀ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਅੱਜ ਘੋੜੀ ਸੂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿੱਥਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਟਪਕ ਟਪਕ ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜੀ ਸੂ ਪਈ तेरा तो कोई हमने वो नहीं है। खैर मुबारक उस्ताद साहब, और मैं मजाक कर रहा हूँ तेरे के लिए, कहते मजाक करी है बछेरा दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्लॉग का आगाज करते हैं, वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको मजा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। बकरियां जो का इजाज़ जो है दोस्तों, कपास की फसल में से बकरियों के लिए घास पाड़ रहा है, घास काट रहा है, पाड़ रहा है, हरियाणवी का लफ्ज है जैसी बोली है। मेरे वैसे भी व्लॉग जो है उर्दू पंजाबी और हरियाणवी का मिक्सचर होते हैं, काफ़ी सारे लोग आवाज़ मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन जो माँ बोली है दोस्तों और अपनी जाती बोली है, ठीक है, ये तो नहीं भूली जाती जी। वो सारी ज़मीनों को पानी लगाया काजल की, आज भी हमें रखवाली करनी पड़ेगी। सुबह मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे दो चार घंटे में बच्चा दे देगी, लेकिन पूरा दिन इसने इंतज़ार करवाया दोस्तों। यकीन करें आजकल नींदें भी नहीं पूरी हो रही, ना मेरी, ना कासिम की, ना उस्ताद साहिब की, हम तीनों ने रात दिन इसकी रखवाली की। फिर इकट्ठे बैठ जाते हैं, ये भी नहीं होता कि एक सो जाए दो जाग ले, बल्कि मैं कोशिश होती रात को भी कासिम को और उस्ताद साहिब को मैंने आते ही सुला दिया था, और मैं तीन बजे मैंने कासिम को कहा कि आप लोग सोए रहे, मुझे कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा घड़ी का, सुबह होने में थोड़ा ही टाइम बाकी है, तो सोए रहे, मैं भी जाकर सोता हूँ। तो मैं यहाँ पर कबूतरों वाली छत पर आकर यहाँ पर चारपाई डालकर, बड़ी ज़बरदस्त हवा चल रही दोस्तों, आजकल लो चलने की वजह से अब मच्छर भी कम हो गया, तो बड़ी ही मज़े की नींद आई है जी। एक घोड़ी की फिक्र में दोस्तों, आप लोगों को मैं बर्ड्स का शौक ही नहीं करवा पाता, सारे बर्ड्स जो हैं सारे शौक, हालांकि मैं डेली देखता हूँ, नज़र मारता हूँ डाइट के टाइम, लेकिन व्लॉगिंग नहीं कर पाता, जल्दी जल्दी सारे काम करते हैं। तो फिर थी मामा मानू को भी हमने दो दिए थे, तो उनमें से एक उनके पास चूज़ा मर गया, मादी मर गई, ये पता नहीं नर मर गया, वो बता रहे थे कि या तो उसको वापस ले जाएं या एक और हमें उसका नर जोड़ा, जाहिर सी बात है कि मुकम्मल कर दें। असील मुर्गियों को ही आज भी हमने खुला छोड़ा हुआ, चूज़ों को खुला नहीं छोड़ा दोस्तों। चूज़े ये है कि खुला छोड़ने में कोई ना कोई गायब हो जाता है, कोई ना कोई गायब हो जाता है, और हमारे तीन चार चूज़ों का नुकसान हो गया, पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पर गए। आजाद फिरते हुए बड़े अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, ग्रोथ भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, लेकिन जब नुकसान होता है दोस्तों तो फिर दिल टूट जाता है। और बकरियों के लिए देखें कपास की जड़ी बूटियाँ इनको बड़े ही शौक से खाती हैं, अब जैसे जैसे कपास की फसल बड़ी होगी तो ये जड़ी बूटियाँ आम हो जानी है कपास की फसलों से दोस्तों, तो बकरियों की बड़ी ही मौज लगी रहेगी। दुआ करें दोस्तों काजल जो है आज रात को अच्छा दे दे, मैंने फिर एक दिन की छुट्टी करनी है, पूरा दिन सोकर गुजारना, पूरा दिन और रात जो है सो सोकर गुजारनी है, और फिर ही जाकर नींदें पूरी होंगी। इसी तरह कासिम को एक दिन का पूरा रेस्ट देना है कि भाई पूरा दिन आराम करो, कोई बंदा दिहाड़ी पर रख ले, दूसरा एक और साथ इजाज़ के कासिम को भी रेस्ट करवाना है। तो थकावटें हुई हैं यार, काजल की रखवाली तो जाहिर सी बात करनी ही पड़ेगी दोस्तों। अभी भी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, बार 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 दिल में ख्याल आता है, हर बार मैं वीडियो भी नहीं बनाता दोस्तों, बार बार देखना पड़ता है दिल में। उस्ताद साहिब का और मेरा तो ये भी मानना है, उस्ताद साहिब ने आज ही एक बात बताई है दोस्तों, पहले कभी नहीं जिक्र किया, आज ही उस्ताद साहिब ने बैठे बैठे कहा कि तल्हा ये हो सकता है कि दो बच्चे दे दे। मैंने कहा कैसे भाई, मैंने कहा पेट जितना बड़ा है इसका तो दो बच्चे भी दे दे तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होगी। मैंने कहा कैसे, इसने पहले कभी दिया? उस्ताद साहिब ने बताया कि मिंचनाबाद में ये घोड़ी थी, कई घरों पर रह कर आई है, और घोड़ी भी तकरीबन मेरे ख्याल से 6-7 साल की है, कई घरों के पास रही है, 3-4 सूए भी इसने दिए हैं। तो देखें दोस्तों इसके थनों में से दूध फिर से चलने वाला, अभी फ़िलहाल रुका हुआ है, दोपहर सुबह तो ऐसे चल रहा था जैसे पानी टपकता है टूटी से दोस्तों, तो ऐसे दूध कई बार टपकना शुरू हुआ, तो मैंने तैयारी हर बार मैं पकड़ लेता हूँ। तो उस्ताद साहब का ये कहना है कि घोड़ी दो बच्चे भी दे सकती है, और दो बच्चे दे दे दोस्तों हमारी चांदी हो जाएगी इंशाल्लाह, और क्या ही मज़ा आएगा। अल्लाह बस खैर सलामती से दो दे, एक दे, बछेरा दे, बछेरी दे, बस खैर सलामती से हो, माँ और बच्चा जो है ये बिल्कुल खैरियत से आए दुनिया में, पलें फूलें, जवान हो, आपका हमारा हम सभी का शौक पूरा करवाएं दोस्तों। घबरा गया दोस्तों, इसको वाक करवा कर, सूसू करवा कर, फिर वापस ला कर इसको इसके किले पर बांधना है।
कल डायमंड से दोस्तों फीमेल डॉग क्रॉस करवाने की हमने बड़ी ही कोशिश की, लेकिन डायमंड से फीमेल डॉग क्रॉस नहीं हुई। बहुत कोशिश की, काफी देर इसको छोड़े रखा, फिर डायमंड काफी थक गया था जिसकी वजह से मैंने आगे ट्राई ही नहीं किया। काजल क्यों इंतजार करा दी पी बेलिया सूप है डोलीए सूप है कहती सूप होगी आज दोस्तों ये सुबह ही सुबहगी इंशाल्लाह। और आज हमें मुझे कोई वो नहीं है जैसे होता है ना कि रोज इंतजार कर करके अब वो तो जसूस जो है ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन मांद पड़ना शुरू हो गया है तजस्सुस। उधर से इजाज़ जो है वो भी डॉग को वॉक करवा कर वापस लेकर आ रहा है गब्बर बदमाश को। सूरज भी बस थोड़ी ही देर का मेहमान रह गया, उस्ताद साहिब से रबता हुआ है, उस्ताद साहिब भी बस आने ही वाले हैं दोपहर में। उस्ताद साहिब एक घंटे का कहकर गए थे, उस्ताद साहिब की मैं जान नहीं छोड़ रहा बिल्कुल भी। तो उस्ताद साहब आपने जितने दिन मेरी घोड़ी बच्चा नहीं देती यहीं पर रहना, और उस्ताद साहिब को मैं दाद देता हूँ अपने सारे मामलात छोड़कर। पता नहीं कितने लोगों के फ़ोन आने लग जाते हैं, उस्ताद साहिब की मजबूरी बन जाती है कहीं ना कहीं जाना, लेकिन उस्ताद साहिब ने हमारा बहुत ज़्यादा माशाल्लाह साथ दिया, उनकी रहनुमाई में हमें परेशानी नहीं होती। उस्ताद साहिब बैठे हुए हो तो मैं बेफिक्र होता हूँ, वरना एक अजीब ही परेशानी लगी रहती है। पहला शौक है तो छोटा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते दोस्तों। इंशाल्लाह हम आराम सुकून से, काजल सू तो पड़ेगी लेकिन हमने इसकी एक एक लम्हा निगरानी करनी है। इंशाल्लाह ये बच्चा देगी तब ही हमें सुकून की नींद आएगी। जैसे गब्बर बदमाश आ गया दोस्तों, इसको यहाँ पर बांधते हैं, इसके ठिकाने पर उत ही बांधते हम तो छा आगे काम देखें दोस्तों। डायमंड के साथ इसके काम देखें, इसको यहाँ पर बांधने लगे हैं दोस्तों, आराम सुकून से यहाँ पर बंधा रहेगा। ये बदामों के पप्पू का रिएक्शन देखें, ये भी गब्बर के साथ इसकी फ्रेंडशिप है, दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं दोस्तों। गब्बर ने दोस्तों पाइप पकड़ लिया और छोड़ ही नहीं रहा, वो चीर ही ना दे कसम की तरह यार ना, ओ छड़ छड़ती 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 उसने ब्रेके चे उतो फड़न के चक्कर चे इनू छड़ देता। मेरा ख्याल बाहर उस्ताद साहिब आ गए हैं दोस्तों, और बाहर देखे कोई भी मोटरसाइकिल की आवाज आती है। हजरात चंगी नहीं की घोड़ी सूप ही तेरा तो कोई हमने वो नहीं है। खैर मुबारक उस्ताद साहब, और मैं मजाक कर रहे हो तेरे के लिए, कहते मजाक करी है बछेरा दिया है नहीं काला नहीं चिट्टा और काला दोनों मिक्स दिया है आज नहीं तो एक घंटा की कह के गया भाई कई हैं। ये भी तो कोई गोचा को नहीं रह गया, पक्की बात है, ये भी तो कौन जावे ना। घोड़ी को चेक करते हैं जी, राव साहब तेरा बात है ना इतनी तेज दूर चालन ला गया, जिस टाइम कासम भेजा ना मैं पीछे, कासम भेजा जिस टाइम पीछे उस टाइम दूध यूं चाल रहा था जिस तरह टूटी में से पानी टपके ठीक है, और उसके बाद ही बिल्कुल खुश कर गई वो डांटे ऊपर ना है रह रही। अभी मैं इसके पास दो मिनट पहला आया हूँ, अरे अपन हुए रोज लगा अपन हुए रोज लगा, लेकिन आज जिसे सारे इसने कदे कौन दिखाया ना। अब देखें दूध दोस्तों इसने बिल्कुल ही सुखा लिया, तो खैर इंशाल्लाह आज रात को पूरे पूरे चांस है, आज दे कल दे परसों दे तरसों दे, लेकिन हमने हर रात ही आज रात समझकर ही इसके साथ गुजारनी है दोस्तों। चेक कर ले राव साहब को मसला है ना हो किधर, मैंने कई बंदे कमेंट्स करके भी कह रहे हैं मसला मसला कुछ नहीं है, अल्लाह दो कम ये तो होंदा गया फौरन। हाँ मैं भी यही बेलियां नु आख्या है कि भी ये दिन उत्ते भी पंजी दिन ले जाते हैं, डॉक्टर वाला को मसला नहीं, डॉक्टर को तो जावे ना जो कोई तकलीफ मनावे कोई दर्द मनावे दूर चिट्टा रंग का दूर आ रहा है पहले चिट्टा था ये पीला पीला सा ये गाढ़ा फिर हो गया ना के कब है तेरा इरादा। तै तो सवेरे मैंने 7:30 कहने लग गया था कि बस ये घंटे की बात है, घंटे करते करते अपन 2 बजे तक जागता रहा, मैं 2 बजे सो गया बेलियो, 2 बजे सोया और 4 बजे फिर बेचैन होकर उठ गया, उठा तो पता चल गया कि उस्ताद साहब जा चुके हैं और घोड़ी अभी डिले कर दिया घोड़ी ने। उस्ताद साहब को भी देखकर घोड़ी देखे दोस्तों कैसे चमक रही है, ऐसे ही कासिम से चमकती है, कासिम से क्या ये हर बंदे से चमकती है। कासिम पूरा खड़ा हो गया कोशिश करता रहे,
राव साहब इसको काबू कर ही लेंगे दोस्तों। हाँ भाई आ गया तेरा बॉस, आ गया उस्ताद, कड़ियाला तेन पा के देंद। अच्छा? ते तू काम कर। अच्छा पहले एक काम कर जल्दी जी, ना काजल नुवावना है वीरे आपां। अच्छा इन्नी देर च उस्ताद कड़ियाला पा लैंदा, पानी मार दे बस उत्ते घोड़ी को उस्ताद साहब। दोस्तों इसका मोरा निकल गया, मोरा डालने की कोशिश कर रहे हैं और घोड़ी ने नचा के रखा हुआ है हमें भी और उस्ताद साहब को भी। इसके जंप लेने देखे दोस्तों। राव साहब, राव साहब इस उम्र में कोई पुर्जा भी कौन लबना जी। हाँ देखियो किधरे जी घोड़ी के काम देखे दोस्तों। वो ये ऐसे ही कासिम के साथ करती है। खैर उस्ताद उस्ताद ही होता है। उस्ताद साहब इसको आराम सुकून से काबू कर रही। ओए ओए उस्ताद क्या कर रहे हो? ओए आ जड़ी खूंगी है ना राव साहब, बड़ी गलत है। बस 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 बेटा बस, घोड़ी काबू नहीं आ रही दोस्तों। बड़ी ही बसंती घोड़ी है, ऐसी बसंती घोड़ी भी मैंने कभी नहीं देखी। देखे गोड़ भी मार दी, चक भी मार दी, सारे काम कर दिए। आजमाइश में आए हुए दोस्तों हम घोड़ी को लेकर जी, इसकी जगह भी नहीं बदल पा रहे। ओए दरवाजा ना तोड़ दे पीछे, खोल के किसी और पास ले चला। कासिम का कहना है कि हुन मैं काबू करके बखाना। देख रस्सा पाए दे मुंह नू, मोरा रेट बनाते आई आ दंदी पा ले रस्सा एक बारी और करी ना उस्ताद रस्सा आ दंदी पा तो रस्सी पाए दे मुंह। और ए तू नेड़े हो जा रस्सा नु समझ। मैं पहले तू पीछा ओखला घोड़ी ऊपर है तेरे से और ना ही इन्हें कि दे आना यार। इसे का सिर लेवेगी, दो बंदे ने इसे बता ली यो बात। यो घोड़ी जो ले आया ना ये तो ना शहादत का रुतबा भी दवा सके। राव साहब आखिरी बारी कड़ियाला किस टाइम पाया था, किसने पाया था? हमने कड़ियाला पाया पूरी मिली थी। नहीं, नहीं, हमने डाला था डेरे पे। डेरे पे डाले इसके यार इन्हू नाल नल ना पैंदा सुन ले दरख्त दे ते पवा लेंदी जिवें उस्ताद पांदा पे मैं कड़ियाला नहीं पवाना इन्हें। घोड़ी को ले जाने के लिए दोस्तों कड़ियाला डालना जरूरी है। रस्ते में उस्ताद साहब कहते हैं कि जा नहीं सकते और घोड़ी ये लेकर जानी है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि इसको कड़ियाला डल जाए। कड़ियाला नहीं डल पा रहा इससे। कल रात को भी हमने बड़ी कोशिश की, आज भी ये फुल कोशिश कर रहे हैं, देखें कड़ियाला नहीं डलवा पा रही। कासम जी में तू कितनी सी उत्थे सेट हो गई सी उधर। कासम उस्ताद एक मिनट रोक जा, ज्यादा तो नहीं खा गई राव साहब? दिखाइए राव साहब के हाथ पर इसने चौक डाला दोस्तों अच्छा खासा। अब कासिम जोर आजमाई करने लगा। अरे उस्ताद पा लेने यार उस्ताद, दो मिनट हौसला कर, को आई जी सारा कुछ जी पवा दी बात गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। ओए लीलू आवी तू भी इत्थे आए, छड़ ना दे अजे कासम डर के। चंगा दरवाजा बंद कर दो, अंदर आ जाओ आप। घोड़ी को दोस्तों ये खुल गई है, इसीलिए इसको नहीं खोलना चाह रहे थे बगैर घड़ियाले के। अब ये दो बंदे हैं। वर्षा तू भी नेड़े से हो इत्थे रस्से दे। काजल को अंदर करते हैं दोस्तों, सोने वाली घोड़ी है ये, अब मुश्किल ही काबू आएगी। अंदर ले जा, अंदर ले जा। हाँ थकाओ राव साहब, हूँ थका लो इन बटू घोड़ी से, मगर वाला कुछ भी नहीं होता यार। घोड़ी थकेगी तो दोस्तों शायद फिर ही काबू आए। लेकर जाना है घोड़ी को और कड़ियाला डालना जरूरी है। कड़ियाला डालना आजमाइश बनी हुई है इसको जी। कड़ियाला तो डाल लेंगे भाई।
ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਲਦੀ ਜੀ ਉਹ ਤੂੰ ਪਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਅੰਦਰ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਬੱਟੂ ਤੂੰ ਗੋੜੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇ ਜਲਦੀ ਜੀ ਨੀਨੂੰ ਖੋਲ ਖਾ ਤੂੰ ਬਛੇਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ ਜਲਦੀ ਜੀ ਤੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਘੋੜੀ ਵੇਖੀ 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 ਜਾ ਯਾਰ ਕਾਸਮ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚੋ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚ ਲੋ ਖੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਜਲਦੀ ਜੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਚੱਕ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਘੋੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਬਿਲ ਆਖਿਰ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਘੋੜੀ ਕੋ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜੀ ਕਾਸਿਮ ਜੋ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਤਕਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੜੀ ਗਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹੀ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਰਾਸਾ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਪਰੀ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਰਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਛਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸੁੰਘਦੀ ਰਹੀਏ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਰਸਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਰਸਾ ਪੈਰ ਚ ਉਲਝਾ ਰਵੇ ਆ ਥੋੜਾ ਉਰਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕਾਸਮ ਇੱਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਕਾਸਿਮ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਘੋੜੀ ਕਿ ਬਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਲੈ ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਲੈ ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਲੈ ਚਲੋ ਜਲਦੀ 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 ਕੜਿਆਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੜਿਆਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸਮ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕੜਿਆਲਾ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਆਖਿਰ ਘੋੜੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਾਸਿਮ ਕੀ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਕਾਸਿਮ ਕੀ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸੇ ਤਾਂ ਬਚੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਹੀ ਬਾਤ ਮੈਨੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਹੀ ਥੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਆ ਸਮਾਂ ਕੀ ਕਹੀ ਥੀ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਸੇ ਤਕੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨਾ ਪਰ ਆ ਸਕਾ ਥੇ ਬਸ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਇਆ ਕਾਸਮ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੜਿਆ ਜਰਾ ਸਾ ਡਬਾਇਆ ਵਾਲਾ ਬਸ ਬੇਟਾ ਆਈ ਨਾ ਕਰ ਕੜਿਆਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਸੀ ਕੱਟੂ ਛੱਡ ਦੇ ਰਸਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੜਿਆਲਾ ਉਵੇਂ ਨਿਕਲ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਾਸਮ ਹਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਕੜਿਆਲਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਓਏ 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 ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਘੋੜੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੜਿਆਲਾ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਵੇਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਥਕਾਓ ਨਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟਿਕਦੀ ਬਸ ਹੋਰ ਕਰ ਦੋਸਤੋ ਮੋਰਾ ਇਸਕੋ ਡਾਲਨਾ ਮੋਰਾ ਡਲ ਗਿਆ ਤੋ ਫਿਰ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਘੋੜੀ ਕੀ ਕਾਜਲ ਕੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹਮਨੇ ਦੋਸਤੋ ਘੋੜੀ ਖੁੱਲਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆ ਤਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਛੁੱਟੀ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਘੋੜੀ ਕੋ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦ ਹੈ ਕਾਸਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਘੋੜੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਅੱਜ ਰਾਤੇ ਸੁਬਹ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਘਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਮੈਨਾਂ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾ 10:00 ਵਜੇ ਆ ਜਾ ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬਸ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਆ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦੋਸਤੋ ਰਾਤ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ 12 ਵਜਨੇ ਵਾਲੇ ਹਮ ਕਾਜਲ ਕੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਔਰ ਕਾਜਲ ਆਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚਾ ਦੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਨਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲਈ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਘਰ ਕਾਸਿਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰ ਅਭੀ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਜਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 8 ਵਜੇ ਕੇ ਤੋ ਕੁਛ ਸਾਈਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਤੋ ਆਪਕੋ ਹਮ ਦਿਖਾਏ ਤੋ ਅਬ ਕਾਜਲ ਕੇ ਥਨੋਂ ਸੇ ਦੂਧ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤ ਕਾਜਲ ਕੇ ਥਨੋਂ ਸੇ ਦੂਧ ਦੇਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯੇ ਟਪਕ ਟਪਕ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਯਹੀ ਸਾਈਨ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸੁਬਹਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁਆ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਫੇ ਸੇ ਦੂਧ ਨਿਕਲਣਾ ਰੁਕਤਾ ਰਹਾ ਹੈ ਅਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕੇ ਬਾਅਦ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੂਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹਾ ਥਾ ਜਬ ਮੈਂ ਆਇਆ ਅਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੇ ਟਾਈਮ ਸੇ ਯੇ ਟਪਕ ਰਹਾ ਹੈ ਦੂਧ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਥਨੋਂ ਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਧ ਇਸਕੇ ਟਪਕ ਰਹਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਾਸਮ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਟਾਈਮ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕੀ ਖੜਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਜਵਾਨੀ ਦਾ 12:30 12:30 ਵਜੇ ਚੁੱਕਿਆ ਦੋਸਤੋ
काजल के पास हम बैठे हुए कसम कितनी की देर लाएगी ए भाई 2-3 बजे गोड़ी आज सो जासी 12:30 बजे घंटे डेढ़ घंटे के बीच राव साहब आप के कहो घंटा डेढ़ घंटा में 3 बजे आज घोड़ी सो जानी है दे नहीं ब्रांड दें दे इतना मैंने पता है अच्छा हाँ बेलियां जगाइए फिर जागें क्या होना टिकटॉक ते ला दिए वीडियो रात के इस वक्त दोस्तों 1:00 बजकर किलो कट्टा लगा रहा देखिए 1:38 हो चुके हैं और घोड़ी के थनों में से दूध जो है अभी मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया घोड़ी ने रोक लिया वरना टपक टपक चल रहा था।